तो ऐसे आदरणीय कप्तान सिंह जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जिनसे मैंने हर प्रकार की बातों को कहने का प्रयास किया, उन्होंने हर प्रकार के समाधान देने का प्रयास मेरे मन का उस समय किया जब मैं काम करता था उस समय। तो ऐसे आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी और नरोत्तम जी को तो आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय नरोत्तम दादा हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है बड़े भाई के नाते से। तो ऐसे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो इस मंच पर उपस्थित नहीं है, के लिए मुझे लगता है कि उनका नाम लेना आज इस अवसर पर आवश्यक है। मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय बीरेंद्र शस्त्रोदय जी, अपने मध्य प्रदेश के सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय उमा भारती जी, हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही आदरणीय सुमित्रा ताई, मेरी उनसे बात हुई, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया, आज उनको दिल्ली जाना था इसलिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है ऐसी आदरणीय सुमित्रा ताई, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रखर नेता के नाते से जिनको हम जानते हैं ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय विक्रम वर्मा जी, नंद कुमार सिंह जी हमारे चौहान जो पूर्व अध्यक्ष रहे, मैंने उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम किया, ऐसे आदरणीय नंदू भैया, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विक्रम वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र फटीक जी, और ऐसे लोग जिन्होंने संगठन को अपनी तपस्या से लगातार इस मध्य प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए जिनकी हमेशा भूमिका रही, ऐसे आदरणीय मोगेल जी, आदरणीय मेघराज जी और अभिनंदन जी भाई साहब बैठे, वो भी लगातार मुझे कुछ कुछ सिखाते रहते हैं, मैं लगातार कई बार उनके बीच गया हूँ, ऐसे आदरणीय अभिनंदन जी, मंत्री के तौर पर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं रीवा संभाग का प्रभारी था, उनका मार्गदर्शन मुझे लगातार मिला, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय राज सिंह आर जी, गौरी शंकर किसैन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक आने में जो सहयोग देने का प्रयास किया, इसलिए मैं उन सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ और आज इस अवसर पर मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन बातों का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि यहाँ जो मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व है, ये नेतृत्व का मुझे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन, मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे ठीक करने में, मेरे स्वभाव व्यवहार, ये राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, ये प्यारेलाल खंडेलवाल का प्रदेश है, नारायण प्रसाद गुप्ता जी का प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। मित्रों, अटल जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के क्षेत्र में आदरणीय सेजलकर जी, आदरणीय इंदिरा प्रगति जैसे जो व्यक्तित्व है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन की बीज डालने का काम इसी मध्य प्रदेश के अंदर किया था, जिस विचार को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। इस मध्य प्रदेश के अंदर सत्य सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, बाबूलाल गौर साहब, मैं तो आज इस अवसर पर हमारे उन पूर्व मुख्यमंत्रियों का, लक्ष्मीनारायण पांडे जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे मध्य प्रदेश के, हमारे अध्यक्ष रहे, सकलेजा जी यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनको कहा जाता है कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर उनकी बड़ी अपनी एक छवि थी कि प्रशासनिक क्षेत्र में वो इस प्रकार के मुख्यमंत्री बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया है। आज इस अवसर पर मैं उन सब लोगों को आज यहाँ पर याद करना चाहता हूँ, आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे मित्र सभी यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ लगातार हम सब लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी मेरे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक, सभी और वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके नाम हो सकता है इसमें उल्लेख नहीं आया होगा, मेरे मीडिया के मित्र, और आज इस अवसर पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे नौजवान साथियों और सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं हृदय से आभारी हूं। लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
दुनिया के ताकतवर नेता जिनको हम आज के समय में वैश्विक नेता के तौर पर देखते हैं कि दुनिया जिनको आज कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के गृहमंत्री और संगठन शास्त्र के जिनको चाणक्य कहा जाता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगातार मिला, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि आप सब नेतृत्व यहां पर जो बैठा है, इन सब नेतृत्व ने ये मिलकर के आप सबने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज मैं बहुत कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं, मैं मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आप सब लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया, जो पाथे दिया है, उस पाथे के आधार पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस पाथे के आधार पर ये जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि पद के तौर पर राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन हम कहते हैं कि पद नहीं दायित्व की भूमिका में हम काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय थावरचंद जी, सब लोगों से कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने में आप सबकी मुझे आशीर्वाद भी चाहिए और आपका लगातार मार्गदर्शन चाहिए, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनकर के खड़ा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरी आज की आवश्यकता है। पद मिलना ये तो होता रहता है, लेकिन उस पद के अनुरूप बनना, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जिनको मुझे ठीक करने की आवश्यकता है, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी मेरा कान पकड़ के खड़ा करेंगे तो बीडी शर्मा कभी ये नहीं कहेंगे, उस काम को प्रयास करेंगे। मैं तो आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर एकत्रित हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व सब मिलकर के नेतृत्व करें मध्य प्रदेश का। आपने विष्णुदत्त शर्मा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है संगठन के नाते से, आप हमको नेतृत्व करते हुए दिशा और मार्गदर्शन देते जाइए। हम सब नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप जो तय करेंगे उसको अक्षर से नीचे उतारने के लिए हम सब तत्पर और तैयार होकर के काम करने का प्रयास करेंगे। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? कमलनाथ की सरकार आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के ऊपर आघात करने का प्रयास कर रही है, हमारे नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं पर आता है आक्रमण नहीं कर रहे हैं ये लोग, केवल कार्यकर्ताओं पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, ये विचार पर प्रहार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए मित्रों, में आज इस अवसर पर इस जन समुदाय को हमारे मित्र कार्यकर्ता यहां पर हैं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पद मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल में वो बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता है जो अपनी शक्ति क्षमता मेहनत के आधार पर जो काम करता है। मैंने देखा है जमीन में नीचे, भारतीय जनता पार्टी में जब से आया हूं और वेदना के साथ जरा भी कोई ऐसी बात हो जाती है, कहीं कुछ ऐसा लगता है उसको कि कुछ गड़बड़ है भाई साहब, तो अपनी पीड़ा व्यक्त इतनी गंभीरता से करता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहां थोड़ा जरा इनसे बात करो, वह हम सब लोग नहीं जाते हैं, कोई अपनी बातों को करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है,
भारतीय जनता पार्टी का अपने काम करने का एक सिस्टम, एक पद्धति, उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो मित्रों, जब पद्धति पर काम करते हैं, हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, ये कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि सावाई ठाकरे से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पद्धति का निर्माण किया है। ये सात्विक और वैज्ञानिक पद्धति है, इसके आधार पर हम काम करते हैं। शिवराज जी ने कहा था, इस पद्धति पर काम करने वाला संगठन कभी पीछे रह नहीं सकता। आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। अमित शाह जी के प्रयासों से आज पूरे भारत दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के खड़ा हो गया। तो इसलिए मित्रों, आज इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ता, जो काम आदरणीय राकेश सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, जो संघर्ष उन्होंने सड़कों पर कार्यकर्ताओं को उतार करके दिखाया है और कमलनाथ की सरकार को आगाह कर दिया, राकेश जी भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो संघर्ष खड़ा किया है और आपने जो काम हम सब लोगों को दिया है, वो काम एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस सरकार को बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। मैं उन अधिकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहता, जब कार्यकर्ता मैदान में उतर जाएगा, अपनी शक्ति और क्षमता से मैदान में होगा, तो ये अधिकारी तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या है, कैसे रूप बदलता है। आदरणीय हिंदू भैया के नेतृत्व में भी मैंने काम किया, हिंदू भैया ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया, तो उन सारे कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, चाहे उसके लिए दिन रात जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात जितना काम करने का प्रयास करना पड़ेगा, चाहे जमीन में मध्य प्रदेश के कोने कोने में, मेरी बहन ने भी कहा कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, हर समाज क्षेत्र के अंदर, भारत क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूट जाए जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और ताकत नहीं है। क्यों, मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि आपकी योजना क्या है, मैंने कहा भैया मेरी योजना तो ये है कि मैं अभी कुछ सीख करके तैयार हो जाऊं, मेरी प्राथमिकता तो ये है, क्योंकि प्रदेश को सभा उठाने का प्रदेश है, राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, अटल जी का प्रदेश है, यहां बैठे हुए नेतृत्व ने संघर्ष किया है, उन्होंने इस प्रदेश को खड़ा किया है, और कोने कोने के अंदर 65,000 से ऊपर बूथों के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता खड़े करने का, इन सब लोगों ने जो यहां बैठे हैं, इन सब लोगों ने जो तैयारी की है, तो मध्य प्रदेश का संगठन पूरे भारत के अंदर शक्ति और ताकत के साथ पहचाना जाता है कि भारत के अंदर कोई सबसे अच्छा और आदर्श संगठन है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर, इन सबकी मेहनत के आधार पर खड़ा किया है। तो मैंने मीडिया के मित्रों से कहा कि मेरी भूमिका तो केवल इतनी है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कैसे हो सकता है, हम सहयोगी कैसे बन सकते हैं उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो टीम भावना पर काम करती है, हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं। कोई गेम खेलना है तो उस गेम के लिए कवर कहां मिलेगा, कौन सी पोजीशन पर कौन खेलेगा, ये नेतृत्व तय करेगा, और हम सब उत्साह के साथ मैदान में उतरेंगे और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सारी बातें जो लोग करने का प्रयास करते हैं मित्रों, मैं आज आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक और हमारे प्रदेश का सर्वमान्य नेतृत्व यहां जो बैठा है, हम सब मिलकर के एक मुट्ठी की भांति जब बनकर के मैदान में प्रहार के साथ उतरेंगे, तो इस सरकार उखड़ करके फेंक जाएगी, ये सरकार टिक नहीं सकती, क्योंकि सरकार वो सरकार है झूठ और छल के आधार पर बनी हुई है, झूठ और छल भ्रम फैला करके बन गए। किसानों, नौजवानों, गरीबों, आज मित्रों जिन बातों का उल्लेख आदरणीय शिवराज जी कर रहे थे, मैं गांधी संकल्प यात्रा के अंदर जमीन के अंदर अभी जाने का मैंने प्रयास किया है, संबल योजना के अंदर जिन गरीबों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किए थे, उन बेटियों के लिए काम किए थे जिनके हाथ पीले करते थे, हम उनको पैसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार देती थी, मित्रों उन लोगों को पूछो, उन बेटियों को जाकर के हम 51,000 देंगे, एक रुपया नहीं मिला, आपने और भंजियों और बेटियों के साथ ही धोखा कर दिया, गरीब किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, नौजवानों के साथ मेरे नौजवान साथी बैठे, किसी नौजवान को कुछ मिला है मध्य प्रदेश के अंदर, या तेजी से बताइए कुछ मिला है क्या, नौजवानों से भी छत कर, अरे मित्रों मेरे नौजवान साथियों, अगर आप
इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथियों को, हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर छल कपट और झूठ के आधार पर बनी हुई सरकार जो हमारे विचार पर प्रहार करने का प्रयास कर रही है मित्रों, तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका जमीन के अंदर उतर करके बूथ बूथ पर एक एक मंडल के अंदर हर क्षेत्र में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका जवाब इस सरकार को देगा। इस संकल्प हमको आज लेने की आवश्यकता है। हमको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। संगठन तंत्र को मजबूत करना, जो संगठन कहीं भी अगर हमको लग रहा है कि हमारा संगठन कहीं छोटा, कहीं कोई नेपड़ा छूट गया है, आज उसकी हमारी भूमिका है को ताकतवर कैसे बने, उसकी हमारी भूमिका है को सक्षम कैसे बने। अमित भाई के नेतृत्व में जब एक कार्यकर्ता जाकर के त्रिपुरा के अंदर जहां 1% वोट मिलता था, 1% वोट मिलने की रणनीति बनती है, वोट को आगे बढ़ाने की रणनीति बनती है, और संगठन तंत्र के आधार पर जब संगठन त्रिपुरा के अंदर खड़ा हो जाता है मित्रों, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं 1% से इतना जाकर के आगे बढ़ते हैं संगठन तंत्र के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर जो हम मध्य प्रदेश के अंदर लगातार करते रहे, जिसके लिए पहचाने जाते हैं कि वहां पर प्रचंड बहुमत की सरकार संगठन के आधार पर बनती है। तो यहां बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। या बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, बूथ का हमारा अध्यक्ष, बूथ का हमारा संयोजक, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का अंग है। इसलिए जब चुनाव लड़ने के लिए मुझे इस नेतृत्व ने मिलकर के जब भेजा खजुराहो के अंदर, मुझे जब कहा कि वहां से चुनाव लड़ना है, तो मैंने कार्यकर्ताओं से एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे मेरे नेतृत्व में आज यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, तो खजुराहो के अंदर बीडी शर्मा प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी तो खजुराहो लोकसभा का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, कार्यकर्ता लगता है। तो मित्रों आज आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सभी हमारे नेतृत्व ने, तो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के निमित्त तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हर बूथ पर काम करने का प्रयास करेगा। ये संकल्प हमको लेकर के आगे बढ़ना है। और एक बात को आज इस अवसर पर क्या देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा होने वाली प्रताड़ना के लिए, अगर इस सरकार ने अपनी धारा को नहीं बदलने का प्रयास किया, तो मित्रों मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के किसी भी कोने में जाकर के इसका जवाब देने की तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर होगी, और ये स्वीकार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा। अगर हमारे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया, किसी प्रकार को देखने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी का सक्षम कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आज यहां पर सभी उपस्थित अपने सभी नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, जिन सब लोगों ने मिलकर के आज मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करने के साथ साथ आप सबसे मैं आज इस अवसर पर एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के अपने संगठन तंत्र को मजबूत करते हुए इस मध्य प्रदेश की जो यात्रा उन महान मनीषियों ने जो खड़ी की और मध्य प्रदेश के काम को मध्य प्रदेश के अंदर जितना व्यापक खड़ा किया, हम सब उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक तन मन धन लगा करके हम सब एक ताकत के साथ आगे बढ़े। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा